सो गाइस डिक्शनरी क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स ई का पार्ट 108। यहाँ पर हम लोग सात नए वर्ड सीखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें सबसे फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इपोक। इपोक मीन्स होता है फ्रेंड्स काल, या फ्रेंड्स युग, या अवधि। यहाँ पर इसी वर्ड फ्रेंड्स हम लोग एल जोड़ देंगे तो इपोकल हो जाएगा, जो कि युग संबंधी होता है। ठीक है, इपोकल का मतलब युग संबंधी और इपोक का मतलब होता है काल या युग या अवधि। यहाँ पर तीसरा वर्ड फ्रेंड्स इपोड। इपोड मीन्स होता है फ्रेंड्स कीट का अंतिम भाग। ठीक है, ई पी ओ डी ई। इपोपी। इपोपी मीन्स होता है फ्रेंड्स महाकाव्य। ठीक है, या वीर चरित्र काव्य। इपोपी का मतलब महाकाव्य या वीर चरित्र काव्य। नेक्स्ट वर्ड है पांचवा वर्ड एप्यूलरी। एप्यूलरी मीन्स होता है फ्रेंड्स भोज संबंधी। भोज मतलब कि दावत, तो दावत संबंधी या भोज संबंधी एप्यूलरी। इक्वेबल तो आप लोग जानते ही हैं, इक्वेबल मीन्स होता है फ्रेंड्स एक समान या बराबर होता है आप लोग का। और आगे हम लोग एन ई डबल एस जोड़ देंगे इसी वर्ड में तो इक्वेबलनेस हो जाएगा, जो कि समानता होता है या तुल्यता। ओके सो गाइस, यहाँ पर एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड बताए हैं आप लोग को इपोक, जो कि काल युग अवधि होता है। इपोकल युग संबंधी। इपोड गीत का अंतिम भाग। इपोपी महाकाव्य या वीर चरित्र काव्य। एप्यूलरी भोज संबंधी। इक्वेबल एक समान या बराबर। और जो लास्ट बताए हैं फ्रेंड्स इक्वेबलनेस, समानता या तुल्यता होता है। सो गाइस, आगे मिलते हैं आप लोगों से ई का 109 वीडियो में।